भ्रष्टाचार उत्पादन और गलत सूचना में एआई के उपयोग के बारे में वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं। यह दावा रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट समाचार उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो पहले से ही दर्शकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बात यह है कि कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित की गई खबरें सिर्फ गूगल के डेटा पर आधारित होती है, जो कभी भी पाठकों को भ्रामक सूचना पहुंचा सकती है। इसमें 47 देशों के लगभग 1,00,000 लोगों से सर्वेक्षण किया गया है। यह रिपोर्ट व्यवसाय और राजस्व बढ़ाने के लिए मीडिया के सामने आने वाली समस्याओं को व्यक्त करती है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर न्यूज रूम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक नई चुनौती का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि गूगल और ओपन एआई जैसे तकनीकी दिग्गज और स्टार्टअप ऐसे उपकरण बना रहे हैं जो समाचार वेबसाइटों में सूचना और ट्रैफिक लेने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में पाया गया कि उपभोक्ता समाचार सामग्री बनाने के लिए एआई के उपयोग के बारे में संदिग्ध है, खासकर राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों के लिए उन्हें एआई पर पूरा भरोसा नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार 52% अमेरिकी उत्तरदाताओं और 63% यूके उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे ज्यादातर एआई के साथ समाचारों से असहज होंगे। रिपोर्ट में प्रत्येक देश में 2000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता पत्रकारों के काम को और अधिक कुशल बनाने के लिए एआई के उपयोग के साथ अधिक सहज नहीं है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोध सहयोगी और डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के प्रमुख लेखक निक न्यूमैन ने इसमें कहा कि लोगों के एआई के इस्तेमाल के लिए इस तरह शक करना आश्चर्यजनक था। अधिकतर लोगों को ये डर था कि इस तरह की सामग्री की विश्वसनीयता और भरोसे का भविष्य क्या हो सकता है। आपको बता दें कि ऑनलाइन झूठी समाचार सामग्री के बारे में चिंताएं पिछले वर्ष की तुलना में 3% अंक बढ़ गई है। इस सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 59% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इससे चिंतित थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में ये आंकड़ा 81% और 72% अधिक था, क्योंकि दोनों देशों में इस साल चुनाव होने वाले हैं।